हमारी एसएस रैंक की आप मंथली मीटिंग है और आप उनकी मीटिंग में हमारा एक कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम जितने भी एसएस मैन हैं, वीर नारी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर महीने दो मीटिंग्स करते हैं, 10 तारीख को और 20 तारीख। मीटिंग करने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे एक्सर्समैन हैं, जो हमारे यहाँ कठुआ के नज़दीक रहने वाले हैं, चाहे वो बाहर भी जो हों, चाहे वो वीर नारी जो हों, चाहे सर्विंग पर्सन भी हों, उनके वेलफेयर के जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो हायर अप से जो हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो उनके तक पहुँचाऊँ। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी एक्सर्समैन, मैं खुद जिस गांव का हूँ वहाँ 80% जो स्ट्रेंथ है वो एक्सर्समैन की, और ये बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम इधर डेली बैठते हैं और 10 तारीख और 20 तारीख को तो मीटिंग करते ही करते हैं। अभी हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब ने बताया है कि मोर देन 3.5 लाख जो एक्सर्समैन है उनकी पेंशन जो है क्रेडिट नहीं हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने टाइमली जो है लाइफ सर्टिफिकेट है, आदमी इंसान जिंदा है या मरता है उसका सर्टिफिकेट है। पहली बात तो है कि वो बैंक की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक इन्होंने नया पोर्टल चला दिया स्पर्श का, तो पोर्टल जो इन्होंने चलाया वो एक्चुअली लागू था उनके लिए जो इस साल के बाद में जो रिटायरमेंट हो रही थी, लेकिन जो अभी 69 से या उसके बाद में के जो प्री जो 2022 के जो रिटायरी हैं उनके लिए तो अभी कोई 70 अबव है, कोई 75 अबव है, जब एजड आदमी होता है तो उसकी इतनी ज़्यादा आस्ती नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी बैंक वालों ने डेलीवरेटली, क्योंकि बैंक से जब उनकी इनकम चली गई, स्पर्श का ये मतलब है कि डायरेक्ट सीडीए जो है क्रेडिट करेगा पेंशनर के अकाउंट में, अब बैंक की जब इनकम खत्म हो गई तो उन्होंने जो लाइफ सर्टिफिकेट लिए थे वो कंसर्न अथॉरिटी को उन्होंने भेजे नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये अपने जितने भी एक्सर्समैन हैं, चाहे वो बार बिडोज हैं, चाहे वो वीर नारी हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम 10 तारीख को इधर मीटिंग करते हैं। उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? उद्देश्य यही है कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं अपने गांव की बात कर रहा था, जब पेंशनर की डेथ हो जाती है उसकी जो विडो है उसके और जो नेक्स्ट ऑफ इन होता है उसका नॉमिनेशन नहीं भरा होता है। रिसेंटली हमारे इनके खुद के रिलेटिव हैं, दो पेंशन ले रहे हैं, सीआरपी से भी और आर्मी से भी, दोनों जगह उनका नाम ही नहीं है। कितनी प्रॉब्लम होती है जब आदमी चला जाता है तो उसके पीछे उसके फैमिली को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं। हमारा यही मकसद होता है जहाँ पे मीटिंग करने का कि हम जितने भी हमारे एक्सर्समैन हैं, जहाँ चाहे बार बिडोज हैं, वीर नारीज हैं, उनके जो अच्छे भलाई के लिए काम है उसके लिए हम करते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये ऐसा रिस्पॉन्स नहीं नज़र आया है कि जिस भी कालीबड़ी से लेकर के और मुखर्जी चौक तक कोई उन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया, तो मैं आज फिर दोबारा आपके माध्यम से खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर मांग करता हूँ कि इसके लिए कोई ना कोई ज़रूर आप अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि सारे बैंकिंग और जितने भी कमर्शियल हैं और उसके साथ साथ जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, चाहे वो मिनी सेक्रेटर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का हो, चीफ हस्बेंड्री का हो, एग्रीकल्चर सारे जितने भी हैं, डिग्री कॉलेज हैं, सारे जो ऑफिस हैं वो इसी रोड के ऊपर पड़ते हैं। उसके साथ ही जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा है कि एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके अपोजिट साइड में हमारा मेडिकल कॉलेज है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, और आप जब भी जाओ, कोई भी आदमी जब भी जाता है तो उसके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने जितने भी ऑटो वाले हैं, जितने भी मेटाडोर वाले हैं, अब ये बस का रूट भी उधर से हो गया है, तो बस वाले भी उधर ही जा करके मेन गेट के आगे स्टॉप करते हैं। प्रॉपरली कोई इस तरीके की गाइडलाइन होनी चाहिए कि 50 गज पीछे और 50 गज आगे डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उसके में कोई भी अनऑथराइज पार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह कोई एमरजेंसी पड़ सकती है, एम्बुलेंस को जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम भी जो कालीबड़ी में है, कालीबड़ी में जितने भी ऑटो वाले हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा रहता है कि जैसे पता नहीं मुझे ये सवारी मिल जाए, मुझे ये सवारी मिल जाए, क्योंकि अभी जो जितनी भी है कठुआ रूट की बसें जो हैं जम्मू के लिए वो नेशनल हाईवे से जाती हैं, तो वहाँ पर एक जमघट सा बना रहता है, और ख़ास करके जो कालीबड़ी के पार का जो एरिया है नेशनल हाईवे का, वहाँ पे ये गाड़ियाँ सब जो हैं खड़ी रहती हैं।
तो वहाँ पे तो पुलिस खड़ी भी रहती है, तो उनको ये एक हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके ऊपर कोई ठीक तरीके से जो है वो अरेंजमेंट करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। इस मीटिंग का मेन मकसद यही होता है कि एक्सेल्समैन को जो भी हमारे 15-20 दिन से पहले हमारे पास फीडबैक कोई आई है या कोई रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं तो वो हमारे एक्सेल्समैन तक पहुँचाना, उसको चाहे वो एक्सेल्समैन हो, वीर नारी हो, विडो हो। वैसे तो हम रोज़ थोड़ा बहुत जितना भी एक्सेल्समैन की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, पर मेन मकसद हमारा यही होता है कि जो एक्सेल्समैन हमारे पास एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं उनकी जितनी भी मदद हो सकती है उतनी करनी चाहिए हमें। दूसरी चीज़ है कि अभी कल आपने देखा होगा कि न्यूज़ में बता रहे थे कि 3.45 लाख आदमी जो हैं अभी तक पेंशनर ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिली है। तो जब उनकी इन्वेस्टिगेट अपोजिशन पार्टी ने, दूसरी ने शुरू की है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने आज सुबह सुबह यही बताया कि इन लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक PCD इलाहाबाद में पहुंचे नहीं है। आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले हमने बोलना शुरू किया था हर एक एक्सेल्समैन को कि अपना अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने बैंक में दे दीजिए या साइफर में दे दीजिए कि वहाँ CDA के बीच में चला जाए। वो एक बहुत जरूरी चीज़ है। और फिर हमारे एक्सेल्समैन ऐसा गुस्सा करते हैं कि भाई हमें पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, जब आप टाइम का अपना लाइफ सर्टिफिकेट देंगे नहीं तो पेंशन कैसे मिलेगी। तो मैं सभी एक्सेल्समैन को, वीर नारी विडो को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी जिसने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है वो इसको फोर्थ भी जो है लाइफ सर्टिफिकेट दे और अपनी पेंशन जो है वो रिलीज कराएं। पर अभी स्पेशली उन्होंने रिक्वेस्ट की है सभी को, CDA को और बैंकों को, कि एक्सेल्समैन की पेंशन जो है वो फोर्थ भी रिलीज करें। आज ही उन्होंने टाइम दिया कि आज ही रिलीज करें इसको और सभी एक्सेल्समैन को, और वो वाली पेंशन जो है उनको मिलनी चाहिए। कार्ड है ये, एक कार्ड जब बनता है तो इसकी 10 साल गारंटी रखी होती है इन्होंने। 10 साल के बाद कंटीन का CSD का कार्ड जो है वो चेंज होगा। इसके बीच में जैसे आपकी सामान लेने लिए जाओगे तो कंटीन स्टाफ जो है आपको इंडिकेशन कर देगा कि आप अपना ये फार्म भर दीजिए, इतनी सिक्योरिटी जमा करा दीजिए, आपको दोबारा जो है आपका CSD कंटीन कार्ड का रिन्यूअल होगा, तब तक पुराने पर ही सामान मिलता रहेगा। और जैसे ही आपका कार्ड आया वैसे ही आपका ओल्ड कार्ड और नए कार्ड पर सामान मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ है, सभी जगह यही बोलते हैं कि वन रैंक वन पेंशन का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ इसके ऊपर, क्लियर कट है। अभी रिसेंटली यही है कि 15 मई तक उन्होंने बोला कि हम इसकी आर्मी सेक्शन निकाल देंगे और 30 जून से पहले वन रैंक वन पेंशन का एरियर प्लस वन रैंक वन पेंशन जो है उसमें हर एक जवान को खाते में डाल देंगे। ये लेटेस्ट यही है हमारे पास और इसी में बाकी 31 मार्च के बाद सबको पता है कि इनकम टैक्स रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसको फोर्थ विद भरना भी चाहिए। जैसे 15G फार्म और अपनी डिटेल वगैरह CA से कंडक्ट करें और इनकम टैक्स रिपोर्ट अपनी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जरूर भेजें, ये सबके लिए एक अच्छी चीज़ है। अभी जितना भी डेथ हमारी एक्सेल्समैन की होती है उसमें भी हमें यही है कि तुरंत विद स्टेशन हेडक्वार्टर को बताओ। जब हम गए थे स्टेशन हेडक्वार्टर ने भी यही बोला कि अभी 10,000 मिल रहा है और 1 अप्रैल के बाद हम 17,000 रुपया देंगे। तो फीडबैक क्या है इसके बाद स्टेशन हेडक्वार्टर से भी कंफर्म कर लेते हैं और आपको बता देंगे। नहीं बोलते हैं कि अपना पार्ट वर्डर, अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का प्लस उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें जो है ये ठीक करके रखें। इसी में सबका फ़ायदा, सबका भला इसी में है। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखें तो मैं पिछली कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि DC कठुआ साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ फुटपाथ जो है दोनों साइड में पूरे फिलअप किए हुए हैं, चलने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है, दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं तो फिर एक्सीडेंटल तो हो ही गए, इसमें कोई मजाक की है नहीं बात।
कहाँ से निकलनी है गाड़ी और कहाँ से लोगों ने चलना है। आगे से उधर ना टेम्पो ना मेटाडोर ये खड़ी नहीं होनी चाहिए। पेशेंट का हरासमेंट होती है और लोग जो है आते जाते एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट वहाँ पर बहुत होते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब से, कि इस पर एक्शन करें, वहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा करे कि वहाँ थ्री व्हीलर मेटाडोर या कोई प्राइवेट गाड़ी गेट के ऊपर खड़ी नहीं होनी चाहिए। आने जाने में हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखते हुए मैं मीडिया का और सभी एक्सप्रेसमैन का धन्यवाद करता हूँ कि आज की मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जय हिंद।